नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रताप करोसिया आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभागार में सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ शासन की विभिन्न योजनाएं जो सफाई कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही है उनकी समीक्षा की। बैठक के दौरान कलेक्टर को देश कुमार वैदिक के अलावा पुलिस विभाग, SDM, तहसील दर, श्रम विभाग, नगरी प्रशासन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों के लंबे समय से काम करने के बाद भी वेतन न मिलने का मामला भी उठा। इस पर आयोग के अध्यक्ष ने कलेक्टर से मामले की जांच करने के निर्देश दिए। इसके अलावा भी कई अन्य मामलों को लेकर चर्चा की गई, योजनाओं का सही क्रियान्वयन करने के संबंध में भी निर्देशित किया गया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।